भाई तकलीफ तो होगी, खासकर तब जब नेताजी के फ्रेम में फर्जी घुसपैठ करके लाइमलाइट लेने की कोई ऐसी कोशिश करेगा। अब यही देख लीजिए नेताजी का लात चलाने वाला निराला करतब। ये जनाब नेताजी के शिष्टाचार भेंट में जबरदस्ती फ्रेम में घुसाए। सोचा था कि इन्हें भी सोशल मीडिया पर नेताजी के साथ सुखद पल वाला पोस्ट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन हो गया सब कुछ उल्टा। जैसे ही ये फ्रेम में आए नेताजी ने दे दी लत्ती। फिर क्या, फोटो पोस्ट करने वाली मुरादों पर पानी फिर गया और अब नेताजी खुद देश भर में चर्चित हो गए हैं। हालांकि लत्ती की चोट कितनी लगी होगी ये तो वही बता सकते हैं जिन्हें लात पड़ी। अब आइए फ्रेम में आए शख्स को लात मारने वाले नेताजी का परिचय भी आपको बता देते हैं। ये है महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे। राव साहेब दानवे से मिलने पूर्व मंत्री अर्जुन खोदकर उनके भोकरदन वाले आवास पर पहुंचे थे। मुलाकात शिष्टाचार भेंट वाली थी। इस मेल मुलाकात के बीच ही दानवे पूर्व मंत्री खोदकर का सम्मान कर रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता उनके फोटो फ्रेम में आने लगा। अब दो मंत्रियों के फ्रेम में क्या मजाल कोई कार्यकर्ता आ जाए, लेकिन ये बात शायद इस कार्यकर्ता को पता ही नहीं थी। तो भाई साहब बेधड़क फ्रेम में आ गए, इस बात से बेखबर कि नेताजी सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी ध्यान बनाए हुए हैं। हुआ भी ऐसा ही, दानवे साहब ने पीछे खड़े कार्यकर्ता पर लत्ती तान दी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और नेताजी भी कार्यकर्ता को लात मार कर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो देश के तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए भी सबक है जो नेताजी के बीच में घुसकर फोटो खिंचवाने पहुंच जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद सावधान रहें, नेताजी का लात कभी भी चल सकता है। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद उस कार्यकर्ता की सफाई भी सामने आ चुकी है। कार्यकर्ता का नाम शेख अहमद है। शेख अहमद का कहना है कि उनकी और राव साहेब दानवे की दोस्ती 30 साल पुरानी है। अहमद ने सफाई देते हुए बताया कि मंत्री जी घर से शर्ट बदल कर आए थे, लेकिन उनकी शर्ट पीछे से अटकी हुई थी। ये बात अहमद ने दानवे के कान में बताई तो दानवे अपना पैर झटक कर शर्ट सही कर रहे थे। इसी दौरान उनका पैर शेख अहमद को जा लगा। अहमद की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये वायरल वीडियो को लेकर फैलाई गई बातें गलत हैं और विरोधी दलों की तरफ से पूर्व मंत्री की छवि को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।